हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लास आर्य कोचिंग। आज हम लोगों को पढ़ना है गतिक विद्युत वाहक बल। इट्स वेरी इजी एंड आई कैन से दैट इट्स वेरी सिंपल, लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसे पढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आप पढ़ेंगे फुल इंटरमीडिएट फिजिक्स, और वो भी हमारे साथ बिल्कुल ही सरल वे में। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर सबसे सरल तरीके से पढ़ाया जाता है फिजिक्स, और इसके साथ तब हम कनेक्ट हो जाते हैं और फील करते हैं जब फिजिक्स को, तो हमें फिजिक्स लगता है एक अमेजिंग सब्जेक्ट। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें जरूरी होता है थोड़ा सा ध्यान। ओके, सो ध्यान देते हैं थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, गतिक विद्युत वाहक बल, जिसे बोलते हैं मोशनल EMF। ठीक है, ये क्या होता है आखिर हम लोग जानेंगे। मोशनल, नाम सुन के लग रहा होगा आपको गतिक विद्युत वाहक बल, मतलब विद्युत वाहक बल लेकिन गतिक, गति की सहायता से अगर विद्युत वाहक बल आता है तो उसे हम बोलते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। लेकिन गति से मतलब जब कोई वस्तु चलती है, गति करती है, तो विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हो सकता है, ये हम लोगों को आज थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे तो, लेकिन उससे पहले जरूरी होगा हम लोगों को एक चीज समझना कि आखिर विस्थापन और समय और वेग के बीच में आखिर क्या संबंध होता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। क्या बताना है आपको, हमें सबसे पहले जानना है कि v इज इक्वल टू क्या होता है। v जिसे हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेग इज इक्वल टू होता है बच्चा विस्थापन, विस्थापन अपान समय। ओके, विस्थापन अपान समय। ठीक है, तो विस्थापन कुछ भी समय में, मान लिया कुछ समय के बाद विस्थापन अगर डेल्टा x होता है, ठीक है, तो विस्थापन डेल्टा x, और डेल्टा x विस्थापन कितने समय में हुआ है, तो मान लिया डेल्टा t समय में हुआ है, तो विस्थापन बटे समय, इसे क्या कहेंगे हम, वेग, जिसे हम v कह सकते हैं। v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर विस्थापन डेल्टा x है और डेल्टा t समय में है, तो हम उसका वेलोसिटी मतलब जो वेग होगा कितना होगा, v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये दिमाग में भर लेनी है बात को, और जैसे ये दिमाग में बात भरेगी तो अब हम लोग इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज जरूरी होगी जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फैराडे का नियम और लेंज का नियम। ठीक है, तो फैराडे का नियम शायद आपको याद होगा, वो क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैं एक बार लिखता हूं यहां पर, इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा फाई क्या था, डेल्टा फाई था चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या था, समयांतराल है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और ई क्या है, ईएमएफ है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमें यहां पर भी ईएमएफ ही ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ही ज्ञात करना है, लेकिन वह गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, लेकिन सहायता तो हमें इसी की लेनी होगी। ठीक है, तो सहायता किसकी लेनी है, इस फैराडे के नियम की। फैराडे का नियम याद रखिए, इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसे। यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे मैंने क्रॉस से व्यक्त किया है, ये देख रहे हैं क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या रखा गया है, एक वायर लिया गया है यू आकार का। कैसा वायर, यू आकार का वायर लिया गया है, इस तरह से दिख रहा है ना आपको, यू आकार का वायर ले लिया है। अब इस यू आकार के वायर पर एक दूसरा वायर इस तरह से रख दिया है, नाम दे देते हैं अगर इसे एक्स वाई। ओके, तो ये एक्स वाई एक वायर इस तरह से इस पर रख दिया गया है, और इसे हम इधर उधर खिसका सकते हैं, मतलब इसकी गति करा सकते हैं, ये गति के लिए स्वतंत्र है, इसको गति कराया जा सकता है। क्लियर है आपको, देखो थीम क्लियर होनी चाहिए माइंड में, आखिर इसके साथ में कनेक्ट होगे। मैंने बताया ना ध्यान जरूरी है पढ़ने के लिए, तो ध्यान जरूर दीजिएगा, कनेक्ट हो जाइए, थोड़ी देर इधर उधर की बातें भूल जाइए, बस
10 15 मिनट की बातें आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक वायर है जिसे यू आकार का रखा गया है और इस पर एक दूसरा वायर रखा गया है जिसकी लंबाई जो है एल है और इसके ऊपर रखा गया है और इससे गति कराया जा सकता है, मतलब ये चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं, मान लिया ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्स है और ये वाला जो है एल है, ठीक है। एल लंबाई का वायर है और एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा हमें पता है, इस वाले क्षेत्र का एरिया क्या होगा, तो इस वाले क्षेत्र का एरिया होगा, एरिया मतलब इस तरह से दिख रहा है ये आयत, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा लंबाई मतलब L इंटू चौड़ाई, ये क्या है X, ठीक है। तो L इंटू X ये हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। तो ये बात जब हमें क्लियर है तो अब हम देखेंगे कि जब इस वाले तार को हम गति कराएंगे, चलेगा ये तार जब मोशन करेगा तब क्या होगा, जब ये मोशन करेगा, ध्यान से देखना जरा यहां पर, करेक्ट हो जाना, ये जो फील्ड लाइंस है, मैंने जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है वो है कैसे, इसकी दिशा किधर है, तो मैं आप भी क्लियर करता हूं कि इसकी जो दिशा है ये इस तरह से है, मतलब इधर से फील्ड लाइंस जा रही है और भीतर की ओर जा रही है, ये मान के चलिए कि इधर से फील्ड लाइंस जा रही है और भीतर की ओर जा रही है और इस वायर को ऐसे रखा गया है, ठीक है। और जब वायर को ऐसे रखा गया है इस तरह से, तो ये भीतर की ओर लाइंस जा रही हैं, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये वाला जो क्षेत्रफल है, इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, गुजर रही होंगी, जब कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अब हमने क्या किया, इस तार को इधर खिसकाया और जब इस तार को इधर गति कराएंगे तो ये जो एरिया अभी इतना था, अब ये एरिया थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, और जब एरिया छोटा होगा, क्षेत्रफल छोटा होगा, तो इसका मतलब उससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब उसका चुंबकीय फ्लक्स भी कम होगा। सिंपल सी बात है, अभी ज्यादा क्षेत्र था तो उसमें से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी, अब मैं जब इसको इधर खिसकाऊंगा तो क्या होगा, छोटा एरिया हो जाएगा, और जब छोटा एरिया हो जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी कम गुजर पाएंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरने का मतलब क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं कम गुजरने का मतलब है कि उसका चुंबकीय फ्लक्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई, वो डिपेंड किस पर करता है, बी इंटू ए, बच्चा बी तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो वही है, लेकिन एरिया तो चेंज हो रहा है जब इसको गति कराएंगे, अभी ये क्षेत्रफल इतना था और जब इसको इधर गति कराएंगे तो क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होगा, और मान लिया कि डेल्टा टी समय के बाद में ये गति करके यहां तक आ जाता है, डेल्टा एक्स दूरी तय करके इस वाली कंडीशन में आ जाता है, पहले एक किस कंडीशन में था, एक्स वाई में था, अब बाद में थोड़ी देर में कहां पर आ गया, एक्स डैश वाई डैश, मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे इसे गति कराया जाएगा तो इसका एरिया छोटा होगा, क्षेत्रफल छोटा होगा, तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं कम निकल पाएंगी, इसका मतलब क्या है, उसका चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि मान लिया पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था, क्लियर है, पहले मान लेते हैं आखिर चुंबकीय फ्लक्स इसका कितना था, तो हमने माना फाई इज इक्वल टू बी, तो कांस्टेंट था ए, ए क्या है, तो ए होता है एरिया, एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई एल इंटू चौड़ाई एक्स, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र था फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो गतिक विद्युत वाहक बल चाहिए, गतिक विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो गतिक विद्युत वाहक बल की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि हमें फैराडे का नियम यूज कर रहा है, और फैराडे का नियम क्या था, तो फैराडे के नियम अनुसार E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि बच्चा यहां पर n क्या है, तो n तो यहां पर एक ही फेरा है, तो हम कह सकते हैं n1 हो गया, और जब n1 हो जाएगा, where n is equal to क्या हो जाएगा, 1, और जब n1 हो जाएगा तो e is equal to क्या हो जाएगा, माइनस n तो 1 हो गया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक काम कर सकते हैं, e is equal to माइनस डेल्टा फाई, फाई का वैल्यू हमें पता है, अभी हम लोगों ने निकाला बी एल एक्स, ठीक है। तो डेल्टा फाई, फाई का वैल्यू रख दीजिए बी एल एक्स अपॉन डेल्टा टी, अपॉन में क्या है, डेल्टा टी, ओके।
अब हम देख रहे हैं बी और एल तो कांस्टेंट है, बी चुंबकीय क्षेत्र जितना है अभी यहां पर तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, एल जो है लंबाई वो इधर खिसकाएंगे तो लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये चौड़ाई चेंज धीरे धीरे होती चली जाएगी लेकिन इस तार की लंबाई तो वही रहेगी। मतलब बी और एल ये दोनों चीजें जो कैसी हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं तो इसको हम बाहर कर देते हैं जरा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, माइनस बी एल बाहर हो गया इंटू में डेल्टा एक्स बच्चा, डेल्टा एक्स और अपान में डेल्टा टी, और अभी अभी हमने बताया था डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एक्स क्या है विस्थापन है, डेल्टा टी क्या है समयांतराल है, और विस्थापन अपान समयांतराल जिसे हम कह सकते हैं वेग वी वेलोसिटी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी माइनस बी एल इंटू वी, ओके। अब हम क्या करेंगे इसे हम सही से लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस बी वी एल, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया है विद्युत वाहक बल माइनस बी वी एल, ठीक है। लेकिन ये विद्युत वाहक बल किसके कारण निकला है, इस तार की गति के कारण निकला है। अगर ये तार गति ना करता तो विद्युत वाहक बल ना निकलता। विद्युत वाहक बल क्यों निकला है, इस तार के कारण, इस तार की गति के कारण निकला है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गतिक विद्युत वाहक बल, और यही है हमारा गतिक विद्युत वाहक बल का फार्मूला, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल डेरिवेशन, बहुत ही सरल है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। बस हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें लिखना भी थोड़ा होगा इस पे को, कोई भी डेरिवेशन अगर आप करें तो सबसे पहले जरूरी होता है हमने जो चित्र बनाया है उसे समझाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चित्र समझाएंगे, लिखेंगे माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी यू आकार का एक तार रखा गया है, और इस तार की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर एक तीसरा तार एक्स और वाई रखा है जिसकी लंबाई एल है, जो चलने के लिए या इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जब इस तार को गति कराया जाता है तो इसका क्षेत्र, इससे घिरे हुए क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब इसका क्षेत्रफल a is equal to l into x और चुंबकीय फ्लक्स phi is equal to b into a and phi is equal to b into a की जगह पर l into x हो जाएगा बच्चा। अब इसके बाद में फराडे का नियम लगा देंगे, तो फराडे के नियम अनुसार e is equal to क्या होता है, माइनस n into delta phi upon delta t, यहां पर n क्या है 1 है क्योंकि एक ही फेरा है, तो n is equal to 1 हो जाएगा, तो e is equal to माइनस n into delta phi upon delta t। अब यहां पर फाई का वैल्यू रख देंगे ये वाला, तो e is equal to माइनस डेल्टा बी एल एक्स, ठीक है, ये वैल्यू रख दिया, b और l दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हमने बाहर कर दिया इनटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है बच्चों, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होता है वेलोसिटी, जिसे हम v लिखते हैं, तो यहां पर v, तो ये इक्वेशन बनता है e is equal to माइनस बी वी एल, ठीक है। बस यही मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है, गतिक विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, और ये गतिक विद्युत वाहक बल क्यों कहा गया, क्योंकि इस तार की गति के कारण ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं, और अगली क्लास में हम लोग गतिक विद्युत वाहक बल के आधार पर हम लोग फैराडे के नियम की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, बिकॉज दैट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।